इसको इजीली बना लेंगे और ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, बच्चों का तो ये एकदम ही फेवरेट है। तो चलिए देखिए हम इसे कैसे बनाते हैं। नॉन बेक्ड सूजी या रवा पाइनएप्पल केक बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे डाइजेस्टिव बिस्किट्स लिए हैं, 24 बिस्किट्स हैं ये। इनको हम मिक्सर जार में डालेंगे पहले, रफली इनको तोड़ के हम ऐसे डालते जाएंगे। इजीली मार्केट में मिल जाते हैं बिस्किट्स। ये सारे बिस्किट्स हमने तोड़ के मिक्सर जार में डाल दिए हैं। अब हम इनको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, तो वो हम करते हैं। एक बार इसको ऐसे चला देते हैं स्पून से, ताकि जो ऊपर के जो पीसेस अभी हुए नहीं है वो नीचे आ जाए। दोबारा से इसको चर्न करेंगे। ये अब इस टाइम पीस चुके हैं, अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। जो बटर हम यूज कर रहे हैं वो अनसॉल्टेड है। इसको वापस हम चर्न करते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं इसको। बटर हमने इतना ही डालना है कि जो हम इसको चेक करेंगे ये आपस में अच्छे से बाइंड होने चाहिए। बिस्किट्स का जो ये क्रम्बल है, अभी आप देख सकते हैं ये बाइंड नहीं हो रहा है। अगर हम इसको हाथ में ऐसे लें, ये अभी वापस गिर रहा है। तो इसमें थोड़ा बटर और डलेगा अभी, तो वो हम और डाल के इसको फिर से ग्राइंड करते हैं। इसको वापिस से अब हम चेक करते हैं। ये इस टाइम आप देख सकते हैं ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, इसका मतलब ये मिक्सचर अब तैयार हो गया। हमें इसी टाइप से चाहिए, तो आप ऐसे चेक करके देख सकते हैं। तो टोटल हमें 50 ग्राम्स बटर लगा है इसको बनाने में। तो अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफर करते हैं। अब ये बाउल में हम ये मिक्सचर को ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रांसफर करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक केक टिन में लाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम इस टिन को बटर से ग्रीस करेंगे, तो वो हम कर लेते हैं। अच्छे से पूरे एजेस तक लगाना है आपने और साइड्स में भी। इसको आप ऐसे घुमाते हुए साइडवेज में भी लगा सकते हैं इजीली। तो ये आप देख सकते हैं हमने टिन को अच्छे से ग्रीस कर लिया बटर से। अब हम इसमें फर्स्ट लेयर लाइन करेंगे जो हमने बिस्किट्स के क्रम्बल से बनाई है, तो वो हम इसमें ये सारा डाल देंगे मिक्सचर। एक स्पैटुला की हेल्प से हम इसको प्रेस कर देंगे पूरा, ताकि ये नीचे अच्छे से सेट हो जाए। एजेस में प्रेस करते हुए हम इसको इवनली स्प्रेड कर देंगे, एकदम ये लेवल्ड होना चाहिए।
ये आप देख सकते हैं स्पैटुला से हमने इवनली प्रेस करके ये सेट कर दिया हमने मिक्सचर। इसको अब हम रेफ्रिजरेट करते हैं और फिर दूसरी लेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी लेयर बनाने के लिए यहाँ पे हमने पैन लिया, इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए हमने इसको ड्राई रोस्ट करना है, जब तक इसमें खुशबू ना आने लग जाए और थोड़ा कलर ना चेंज हो जाए। 4 से 5 मिनट करीब हो चुके हैं और ये सूजी भी हम चलाते हुए इसको रोस्ट कर रहे थे और इसका कलर भी अब चेंज हो गया और इसमें खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। अब हम इसकी गैस ऑफ कर देंगे इस टाइम, इसको अब हम साइड पे रखेंगे और फिर हम आगे का स्टेप करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने फ्रेश पाइनएप्पल लिया है, हम कोई टिंड पाइनएप्पल नहीं यूज कर रहे, तो ये हमने फाइनली चॉप कर लिया है। इसको हमने फाइन प्यूरे बनाना है एक ब्लेंडर में, तो वो हम करते हैं। ये पीसेस हमने डाल दिए हैं, अब हम इनको फाइनली ब्लेंड कर देते हैं और इसका हम फाइन प्यूरे बना लेंगे। ये आप देख सकते हैं हमने फाइनली ब्लेंड कर लिए पाइनएप्पल। अब हम बाकी के पीसेस भी ऐसे ब्लेंड कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सारा पाइनएप्पल का प्यूरे था वो हमने ट्रांसफर कर दिया एक बर्तन में। अब हम इसको कुक करेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करते हैं। साथ ही हम इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है जब तक ये थोड़ा रिड्यूस ना हो जाए और अच्छा बॉईल ना आ जाए इसमें। ये आप देख सकते हैं इसमें अच्छा बॉईल आ गया इस टाइम। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। शुगर आपने इक्वली क्वांटिटी लेनी है, जितनी आप सूजी ले रहे हैं उतनी ही आप शुगर लेंगे कि फ्रूट में तो नेचुरल स्वीटनेस होती है। इसको हम मिक्स कर देते हैं। और इसको अब हम बीच बीच में ऐसे चलाते हुए कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे, जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना होने लगे। तो इसको हम ऐसे कुक होने देते हैं। 5 मिनट्स करीब हो चुके हैं इसे कुक होते हुए। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा थिक भी हो गया है, इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है पाइनएप्पल का। अब इस टाइम हम इसमें सूजी ऐड करेंगे जो हमने रोस्ट करी थी। इसको एकदम लो फ्लेम कर देंगे हम और इसको मिक्स कर देते हैं। जब तक पूरी सूजी अच्छे से फूल नहीं जाती हम इसको चलाते हुए ऐसे कुक करेंगे। साथ ही अब इसमें अब हम बटर ऐड करेंगे। ये आपने लो फ्लेम पे ही करना है, अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे तो एकदम सूजी ऊपर आपके ऊपर आ सकती है छींटे, तो ध्यान से आपने ये करना है। इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक ये हलवे की तरह इकट्ठा ना हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि सूजी पूरी फूल गई है और ये अच्छे से इकट्ठा भी हो गया इस टाइम। ये देखिए पूरा इकट्ठा हो रहा है, जैसे हलवा इकट्ठा हो जाता है इसका मतलब ये पूरा बन के तैयार है। बीच बीच में हम थोड़ा पानी डालते रहे थे, तो टोटल हमने इसको बनाने में 2 times जितनी सूजी है उसका पानी डाला है। मतलब हमने 1 कटोरी सूजी ली थी तो 2 कटोरी हमने इसमें पानी ऐड किया।
और इसको बनाने में हमने टोटल बटर 40 ग्राम्स यूज किया है, तो ये इस टाइम बन गया है। इसको हम गैस ऑफ करते हैं अभी, और जो टिन हमने रेफ्रिजरेटर में रखा था, जो हमने फर्स्ट उसको लाइन की थी लेयर बिस्किट्स की, वो निकालेंगे और ये हम इस पर ट्रांसफर करेंगे। जो पाइनएप्पल और रवा का मिक्सचर था वो भी इस टाइम रूम टेम्परेचर पे आ गया है, और यहाँ पे हमने टिन निकाल लिया रेफ्रिजरेटर से। ये आप देख सकते हैं जो फर्स्ट लेयर थी हमने जो बिस्किट्स की, ये हार्ड हो गई है, तो ये आप जरूर चेक कर लीजिए पहले, मतलब ये प्रेस नहीं होना चाहिए नीचे जब आप डाल रहे हैं सूजी का। तो अब हम ये सेकंड लेयर इसमें लाइन करते हैं। सारा इसमें ट्रांसफर करने के बाद अब हम एक स्पैटुला से इसको प्रेस करके इवन कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमने स्पैटुला की हेल्प से इसको पूरा इवनली प्रेस करके एकदम लेवल कर लिया है। अब ये सेकंड लेयर भी बनके तैयार हो गई है इसमें। अब हम इसको वापस रेफ्रिजरेट करते हैं और फिर थर्ड और फाइनल लेयर बनाने की तैयारी करते हैं। थर्ड एंड फाइनल लेयर बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने पतीले में पानी लिया है, इसको हमने पूरा नहीं भरा, हमने कम ही पानी लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्लास का बाउल लिया है, इसमें हमने डार्क कंपाउंड चॉकलेट ली हुई है, इसको हमने मेल्ट करना है, और ये डबल बॉयलर मेथड होता है, इससे हम मेल्ट करेंगे। तो अभी हम इसको हटा देते हैं, पहले हम पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे, तो वो हम वेट करते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना स्टार्ट हो गया। अब हम वो ग्लास का बाउल रख देते हैं ऊपर। पानी का लेवल इसलिए हमने कम रखा था ताकि जो बाउल हम ऊपर रखेंगे वो टच नहीं होना चाहिए पानी को, तो उसी हिसाब से आपने पानी डालना है। आप पूरा ऊपर तक ये ध्यान रखें कि भरे ना बर्तन में पानी। तो अब हम इसको एक स्पैटुला से हिलाते हुए चॉकलेट को तब तक चलाएंगे जब तक ये अच्छे से पूरी मेल्ट नहीं हो जाती। डायरेक्टली कभी भी चॉकलेट को मेल्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एकदम जल जाती है। ये आप देख सकते हैं कि चॉकलेट पूरी तरह मेल्ट हो गई है इस टाइम। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर ऐड करने से जो चॉकलेट सॉस बनेगी उसमें बहुत ही अच्छा ग्लेज आ जाएगा, तो ये हम डाल देते हैं। इसको भी पूरा मेल्ट होने तक कुक करेंगे। देखिए कितने इजीली आप ये केक बना सकते हैं, और इसमें कोई बेकिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, और इंग्रेडिएंट्स भी सारे इजीली मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छा केक बनता है, आप इसे जरूर बना के ट्राई करिए। बच्चों की बर्थडे पार्टी हो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। बाहर से अनहेल्दी लेने से आप घर में ये बनाइए। बटर ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो चॉकलेट सॉस ये बन रही है इसमें ग्लेज कितनी अच्छी आ रही है। ये बटर भी पूरा अच्छे से मिक्स हो गया चॉकलेट में, और ये सॉस बनकर एकदम तैयार है। अब हम इसकी गैस ऑफ करेंगे, और ये चॉकलेट सॉस जो बनकर तैयार हुई है इसको हम टिन में लाइन करते हैं। ये हमने टिन भी निकाल ली है रेफ्रिजरेटर से। अब इसके ऊपर हम ये चॉकलेट सॉस जो हमने बनाई थी वो पोर कर देंगे, तो ये हम ध्यान से डाल देते हैं। सेंटर में आप डालेंगे पहले। ये सारी सॉस हमने पोर कर दी है, अब इसको भी हम इवनली स्प्रेड कर देंगे स्पैटुला से। ये जो हमने चॉकलेट सॉस बनाई है इसमें हमने टोटल 200 ग्राम्स डार्क चॉकलेट यूज़ किया है, और इसमें हमने
50 grams unsalted butter use किया। ये आप देख सकते हैं चॉकलेट सॉस भी इवनली हमने स्प्रेड कर दी है और ये थर्ड लेयर भी इसमें बनके लगके तैयार हो गई है और आप देख सकते हैं ऊपर कितना अच्छा ग्लेज आ गया। अब हम इसको वापस रेफ्रिजरेट करेंगे और 15 मिनट्स बाद हम इसको निकाल के इसको डेकोरेट करेंगे। 15 मिनट्स हो चुके हैं हमें ये रेफ्रिजरेट करे हुए केक को, इसको हमने निकाला है अभी और इस टाइम आप देख सकते हैं जो ऊपर की चॉकलेट सॉस है ये इस टाइम सेमी सेट है, ये अभी पूरी तरह सेट नहीं हुई, तो इसके ऊपर इस टाइम हम टॉपिंग करेंगे, डेकोरेट करते हैं इसको। डेकोरेट करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने कलरफुल जेम्स ली है, ये बच्चों को बहुत ही अच्छी लगती है तो इसको हम लगा देते हैं। हम ऐसे कॉर्नर्स पे थोड़ा गैप देते हुए लगाएंगे, आराम से इसको रखना है हमने और हल्का सा इनको प्रेस करना है, तो थोड़े थोड़े दूर हम इनको लगाते जाएंगे। ये हमने सारे जेम्स के पीसेस लगा दिए हैं और यहाँ पे हमने एलमंड्स लिए हैं, इनको हमने चॉप कर लिया, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, जो ये अंदर का पार्ट खाली है उसमें हम डाल देते हैं। अब ये डालने के बाद हम इसको वापस रेफ्रिजरेट करेंगे अराउंड 2 आवर्स या जब तक ये पूरी तरह सेट ना हो जाए। और सेट कैसे होगा आप ये चेक कर सकते हैं, जो ऊपर ये चॉकलेट है ये प्रेस होने पे, प्रेस नहीं होनी चाहिए जब आप इसको प्रेस करें, ये एकदम हार्ड होनी चाहिए, तो आप उसे जैसे चेक कर सकते हैं। तो इसको हम रेफ्रिजरेट करते हैं और फिर इसको हम बाद में डीमोल्ड करेंगे। 2 आवर्स करीब हो चुके हैं इसे रेफ्रिजरेट करे हुए, ये केक इस टाइम पूरी तरह सेट हो गया। अब हम इसे डीमोल्ड करते हैं, लॉक खोलेंगे हम इसका। ध्यान से इसको हटा देंगे, ये हमने डीमोल्ड कर लिया केक और ये बहुत ही अच्छा केक बनके तैयार हुआ है। आप इसे जरूर बनाइए और बच्चों को बना के दीजिए, ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये आप देखिए, इसकी आप लेयर्स देखिए, ये बहुत ही टेस्टी केक बनता है। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी प्लीज कीजिए, और आपको अगर हमारी रेसिपीज पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।